देखिए, कांग्रेस के अनेक नेता हमारे संपर्क में हैं और आज कांग्रेस के ज्यादातर नेता परेशान हैं। छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता भाजपा के संपर्क में हैं, जो कि समय आने पर बताएंगे कि कौन कौन है और क्या होने वाला है। उनके दावों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि नंद कुमार साय के आने से ये बौखलाहट दिखाई दे रही है। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें गुरुवार को बिलासपुर में भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी का जादू खत्म हो गया है। इस पर अरुण साव ने कहा कि जादू तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का खत्म हुआ है। छत्तीसगढ़ की जनता में राज्य की कांग्रेस सरकार को लेकर आक्रोश है, क्योंकि सरकार ने हर वर्ग को ठगने और गरीब जनता को लूटने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। वो आम जनता के दिलों में राज करने वाले प्रधानमंत्री हैं। उनकी लोकप्रियता देश और दुनिया में लगातार बढ़ रही है। अरुण साव ने दावा करते हुए कहा है कि कांग्रेस के ज्यादातर नेता परेशान हैं, जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जनता को ठगने और धोखा देने का काम किया है, विकास को ठप करने और भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया है, ऐसे में कांग्रेस के नेता कांग्रेस में रह नहीं पा रहे हैं और लगातार हमारे संपर्क में हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जिस तरह से चुनाव से पहले सर्वे रिपोर्ट आई है और मतदान के बाद एग्जिट पोल की रिपोर्ट में बहुत अंतर है। देखिए, आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। आज देश के आम जन में नरेंद्र मोदी जी का जादू चल रहा है। कर्नाटक में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का जादू चलेगा और जिस प्रकार से एग्जिट पोल का रिजल्ट आया और उसके पहले जो सर्वे आ रहा था, कितना भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया है एग्जिट पोल ने, और जब रिजल्ट आएगा तो ध्यान में आएगा कि कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार आ रही है। देखिए, कांग्रेस के अनेक नेता हमारे संपर्क में हैं और आज कांग्रेस के ज़्यादातर नेता परेशान हैं, जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं। जिस प्रकार से 4.5 साल में भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, विकास को ढप करने का काम किया, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया, लूट हो रही है छत्तीसगढ़ के जनता के साथ, ऐसे में कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी में आज रह नहीं पा रहे हैं। लगातार भी हमारे संपर्क में हैं और समय आएगा तो बताएंगे कि कौन कौन है और क्या होने वाला है। क्या लगता है? साव के बयान पर भूपेश बघेल ने कहा कि दरअसल एक नंद कुमार साय के कांग्रेस में आने के बाद भाजपा में इतनी बौखलाहट दिखाई दे रही है, हमने तो कभी प्रयास नहीं किया, स्वाभाविक रूप से वो कांग्रेस में आ गए। लेकिन सवाल इस बात का है कि इतने वरिष्ठ आदिवासी नेता के सम्मान का भाजपा ध्यान क्यों नहीं रख पाई। आपको बता दें कि गुरुवार को मस्तूरी विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी और शाह का जादू खत्म हो गया है, जिसे अरुण साव भांप चुके हैं, इसलिए वो बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। यही वजह है कि अरुण साव अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ जा रहे हैं। अब देखना होगा कि अरुण साव की ये बात कि कांग्रेस के ज्यादातर नेता भाजपा के संपर्क में हैं, कितनी सच निकलती है। वैसे उनके इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।